बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज वैसे तो लेनी थी मैंने स्कूल से छुट्टी, क्योंकि मैंने जाना था एक शादी पे, लेकिन मैं छुट्टी ले नहीं रहा इसलिए क्योंकि अगले हफ्ते में एक और शादी है, तो उसके लिए हो सकता है मुझे दो छुट्टियां लेनी पड़े। तो आज वैसे भी जुम्मे का दिन था, हाफ डे है, तो मैंने कहा कि छुट्टी लेने का फ़ायदा नहीं है, छुट्टी ज़ाई करनी है। तो सुबह सुबह इतना तैयार होकर मैं, मतलब मेरा दिल था कि मैं तैयार होकर जाता हूँ स्कूल, तो वहाँ से वापसी पर जो है ना वो नमाज शमाज पढ़ के, जुम्मा है आज तो जुम्मा पढ़ के, तो वहीं से सीधा शादी पर चला जाऊँगा। तो सुबह सुबह फिर उठ के तैयार श्यार होके स्कूल के लिए रेडी हो गया मैं, ठीक है, नाश्ता वाश्ता कर लिया सही, परफ्यूम शरफ्यूम लगा के। आज आपने नोटिस किया होगा कि बड़े लंबे अरसे के बाद मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ वीडियो पे। पिछली दो तीन वीडियो से मैं नीचे टेक्स्ट लिख देता था। असल में ना मुझे बड़ा अजीब लगता है जब मैं अपनी वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ ना, बाद में मैं उसको सुनता हूँ तो मुझे बहुत ही अजीब लगती है। पता नहीं बीमारी मुझे ही है या मतलब सबको होती है। तो आज लेकिन मैं अपना वॉइस ओवर, मैंने कहा कुछ भी हो जाए कि आज मैंने अपने ही वॉइस ओवर करना है, तो देखते हैं कि हाउ इट टर्न्स आउट। तो मी नो इन द कॉमेंट्स। ये मैं तैयार श्यार होकर स्कूल के लिए निकल गया और थोड़ी नाश्ता करते हुए मुझे लेट हो गई, तो भागम भाग लगाई हुई थी मैंने कि मैं जल्दी जल्दी जो है ना वो पहुंच जाऊं, बिकॉज ऑलमोस्ट एक हफ़्ता होने वाला है कि मैं डेली बेसिस पे लेट होता जा रहा हूं किसी न किसी वजह से। डेली कोई ना कोई ऐसी वजह बन जाती है। एक दिन तो मैं अपना मोबाइल घर भूल गया था, तो आधे रास्ते से मुझे वापस जाना। एक दिन मैं पेपर घर भूल गया, ये भाई साहब सामने से अचानक आ गए हैं। आज शुक्र है कि पेट्रोल नहीं था डलवाना, मुझे लगा मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, लेकिन सामने से जो है वो ट्रेन ने वेट करवा दिया, वो जो बाकी कोटा था पेट्रोल वाला वो ट्रेन ने पूरा कर दिया। मैं पहले लेट हो रहा हूं और आज तो पक्का जो है ना वो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊंगा। फिर माशाल्लाह से जो रास्ता है ये इतना खूबसूरत रास्ता है ना, जीटी रोड बना हुआ है कि इसमें खाना तो हज़म हो ही जाता है फ़ौरन से। लेकिन इस रोड पर आते हुए ना मुझे तालीमुल इस्लाम, मेरा पिछला स्कूल, मुझे बहुत याद आता है, क्योंकि ना वो मेरे घर से सिर्फ 5 मिनट के फासले पर था। तो मैं मतलब अगर 7:30 बजे मुझे जाना होता था ना, मैं 7:25 पे भी निकलता था, तो मैं 7:29 पे वहाँ पे पहुँच जाता था, वो इतना नज़दीक था। लेकिन ये तो सफ़र भी मतलब उससे ज़्यादा ही है, थोड़ा 10-15 मिनट लग जाते हैं मुझे, और रास्ता बहुत ज़्यादा गंदा है, बहुत ज़्यादा गंदा है। फिर जब ये फसलें शसलें आती हैं तो थोड़ा दिल को तसल्ली मिलती है, बिकॉज सामने स्कूल जो है वो नज़र आ जाता है। तो खैर स्कूल पहुँचा था और बचते बचाते मतलब 7:35 तक मैं पहुँच ही गया, 8:35 तक सॉरी। तो अटेंडेंस शेंडेंस लगाई मैंने, ऐसे तो स्कूल में पेपर हो रहे हैं, लेकिन ना मेरी क्लास को आज छुट्टी थी, तो मैं बड़ा खुश था कि आज मुझे कोई काम नहीं होगा, इन्विजिलेशन ड्यूटी नहीं है। लेकिन क्लास में पहुंचा हूं तो मुझे याद आया कि मैंने अटेंडेंस रजिस्टर तो मुकम्मल नहीं किए, ऊपर से मेरे पास रजिस्टर हैं भी दो, एक बॉयज़ का एक गर्ल्स का, तो वो दोनों करने थे मैंने मुकम्मल। तो ये काम ऐसा कि ये काम मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, और मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया, जो मुझे लगा था कि मैं सारा दिन आज फ्री बैठूंगा, मुझे कोई काम नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ही बड़ा काम था। तो ये अचानक ना मतलब कंप्लीट करते करते तो मुझे समझ आई कि मैंने जो पिछले महीने का जो हुआ हुआ था ना ऑलरेडी रजिस्टर, तो वो गलत हुआ हुआ था, तो उसकी वजह से जो मैंने अभी सॉल्व किया वो भी गलत हो गया। तो ये तो बड़ा लंबा चौड़ा ब्लेंडर हो गया था, 2 महीनों का रजिस्टर मुझे मुकम्मल करना पड़ना था, मेरी जिसकी 1 महीने वाले से जान जा रही थी, अब वो 2 महीनों का मुझे ठीक करना पड़ना था। और पहले तो मुझे इसकी खैर समझ ही नहीं आई, फिर मैं ये लेके गया टीचर के पास, उनसे मैंने हल करवाया, खैर जैसे तैसे करके वो तो हो गया मुकम्मल। और मैं अब बैठी हूँ ओवर थिंकिंग करने के लिए, मतलब मैं ऐसा बंदा हूँ यार, मैं इतनी ओवर थिंकिंग करता हूँ सारा दिन, मैं पता नहीं क्या क्या चीज़ें सोचता रहता हूँ। मतलब कोई बंदा मुझे एक लफ्ज़ कह देता है ना, तो मैं उससे पूरी वेब सीरीज़ अपनी खुद ही बना लेता हूँ सोच सोच के, तो मैं इतना ज़्यादा चीज़ों को सोचता हूँ, पता नहीं मैं ऐसा क्यों। खैर इस तरह से मेरा मतलब दिन गुजर गया औखा सौखा, और छुट्टी का टाइम हो गया था 12 बजे, जल्दी छुट्टी हो गई, और ये होता है सबसे ज़्यादा खुशी का टाइम, बच्चों से ज़्यादा तो मुझे शायद खुशी हो रही होती है। लेकिन खुशी रास्ते में आके रुक गई क्योंकि फाटक फिर से बंद था, एक दिन में दूसरी दफ़ा, तो ट्रेन का वेट हो रहा था, ट्रेन ने फाइनली अपना मुखड़ा दिखाया, तब जाके थोड़ी तसल्ली हुई है। लेकिन ये ट्रेन चलती इतनी स्लो है ना, मेरा दिल तो ऐसे करता है कि मैं इसको ना चुटकी में फास्ट फॉरवर्ड कर दूँ और ये जल्दी जल्दी से गुजर जाए, मैं घर पहुँचूँ बस। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैंने खुद दोबारा से स्कूल में दाखिला ले लिया, मैं पढ़ने जाता हूँ, बिकॉज मतलब बचपन में भी ऐसे ही होता था, फाटक के पास था स्कूल तो वो ऐसे ही बंद हो जाता था, और हम लोग जो है बहुत आधा घंटा वहाँ पे वेट करते थे ट्रेन का,
पता नहीं क्यों आधा घंटा पहले बंद कर देते थे उस टाइम तो। यहाँ पे ये हॉस्पिटल के पास यकीनन किसी का आज पोस्टमार्टम है, और ये लोग बाहर से जो है वो खड़े होकर देख रहे हैं। ये एक बड़ी बीमारी है हमारे लोगों को, बाहर से खड़े होकर इस तरह से झांकते हैं। कैसे? जादू जादू से? क्या करोगे इससे? अभी क्या बनाता हूँ? क्या? नहीं, ये तो मेरा है। ये आप ले लो, फिर मैं क्या पहनूंगा? मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे दे दो। दे दो, कहाँ है? इसमें नहीं है पैसे। मैंने चाकू लुगना दिया, सब कुछ लुगना दिया। जमा पढ़ने? जमा पढ़ने बेटे, मैं जमा पढ़ने जाना है। तो आपने कपड़े तो पहने नहीं अच्छे वाले। तो जुम्मे की तैयारी शैयारी कर ली, तो अब जाना है जल्दी वाली मस्जिद में जुम्मा पढ़ने के लिए। मतलब जो हमारी कमेटी वाली मस्जिद है ना, यहाँ पे 1 बजे जुम्मा पढ़ा जाता है जल्दी, तो इस वजह से आज यहाँ पे जुम्मा पढ़ना है। और फिर जाना है शादी पे। ये मैं अपने मोबाइल को 536वीं दफ़ा चार्ज पर लगाने लगा हूँ एक दिन में, कि मैं जब भी कहीं भी जाने लगता हूँ ना तो हमीम आ जाता है यहाँ पे। ये इसका पॉइंट है, यहाँ पे आके मुझे कहता है कि पारी तो देते जाओ, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे, फिर ये लेके भाग जाता है। तो मैं शादी के लिए तैयार होकर जा रहा हूँ। वसीम ने कॉल किया, वो आ रहा है मुझे लेने। ये शहजादा असम इजाज़ आ गया है, वसीम को बुलाया था, ये गलत ऑर्डर प्लेस हो गया है। ठीक है, इन्हें चीकां निकलदी रानियां खाम खा दियां ब्लॉग च। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये हम पहुंच गए जी शादी वाले वेन्यू पे। अच्छा, इसका जो मुकम्मल व्लॉग है ना, ये मैं अलहदा से लगाऊंगा, बिकॉज ये बड़ा ही एक्सटेंसिव सी चीज़ है, सारी डिटेल्स उसमें होंगी। लेकिन इसमें मैं आपको थोड़ी थोड़ी ग्लिम्स दिखा देता हूँ। ये हमारे नईम साहब हैं, वकील साहब, शकूर साहब, सारा मतलब जो मेरा पिछला स्टाफ था। ये दूल्हा है, इसका ब्राइडल लुक देख लें आप लोग, ठीक है। और ये हमारा ग्रुप था, हम लोग थोड़ी देर बाद जो है वो हमने फ़न किया। तो इसका जो मुकम्मल डिटेल्ड व्लॉग है ना, वो मैं बता रहा हूँ, मैं अलहदा से डालूंगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा थोड़ा आपको मैं उसका जो है ना वो हिंट दे रहा हूँ। तो इट वाज अ लॉट ऑफ फन एंजॉइंग देयर, कि मैंने स्नैप बनाई थी और उसके बाद खाना शाना खाया। सो वी इन्जॉयड अ लॉट देयर एक्चुअली। और ये मुझे बार बार ना यहाँ पे मुझे अपनी वीडियो बड़ी प्यारी लग रही थी, मुझे लगा था मैं बड़ी सोना लग रहा हूँ, तो मैं अगेन एंड अगेन अपनी वीडियो बना रहा था। ये हमारी वापसी है और फिर बैक टू रूटीन, मतलब उसमें से तो जा रहा हूँ मैं ट्यूशन, ट्यूशन पढ़ाने के लिए। आसमान का व्यू चेक करें यार, इतना ही ज़बरदस्त आसमान का व्यू था हमने, मतलब मैं क्या बताऊँ। अच्छा, मैं ना बड़ा आसमान से मेसमराइज हो जाता हूँ। ये मैं पहुँचा हूँ दूसरी जगह ट्यूशन पढ़ाने के लिए। यहाँ पे हमारा हुसैन जो है वो बहुत ज़्यादा शर्मीला है, वो वीडियो नहीं बनवाता, लेकिन फिर हम अपनी वीडियो बना लेते हैं। मेरी शक्ल देख के आपको पता चल गया होगा कि मैं कितना ज़्यादा थक गया हूँ। और ये मैं जा रहा हूँ घर अपने वापस, रात हो गई है, सारा दिन ख़त्म हो गया। इट वॉज क्वाइट अ होल सम डे। ये हमारे भलवाल की रात की खूबसूरती है, ये जो दो पंप इन्होंने बनाए ना, ये अल्टीमेट ब्यूटी है, क्योंकि यहाँ पे लाइटें शाइटें लगी होती हैं। और मैं आसमान को देखता हूँ और देखता ही रह जाता हूँ, पता नहीं क्या आसमान, मतलब मैं ना ऐसा लगता है मैं हिप्नोटाइज हो जाता हूँ किसी किस टाइम आसमान को देखते देखते। चांदनी रात है आज गालबन 13 या 14 की, और बड़े ही खूबसूरत टाइम होता है ये। और मतलब आसमान ऐसा लगता है कि मुझे घुमा देता है। मैं कई दफ़ा इसको देखता हूँ, दिन टाइम देखता हूँ, रात के टाइम देखता हूँ, तो मैं ना बड़ा इससे फैसिनेट हो जाता हूँ आसमान को देखते देखते ना। सो इट्स अप फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।